স্বাগতম সবাইকে বিশ্ব রিয়াকশনে আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আবারো নতুন আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য আর আজকে আমরা আপনাদের সঙ্গে যে ভিডিওটি শেয়ার করব সেই ভিডিওর টাইটেলটি হচ্ছে ইন্ডিয়াস ওনলি আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যাকোয়ারিয়াম এন্ড শার্কস তো এই ভিডিওর মাধ্যমে নিশ্চয়ই আমরা এমন কোন অ্যাকোয়ারিয়াম দেখব যেটা অনেক বড় হবে নিশ্চয়ই এবং সমুদ্রে নিশ্চয় হবে সম্ভবত কারণ নালে এত বড় অ্যাকোয়ারিয়াম और इंडिया में ऐसा और कुछ भी नहीं है पूरा ऐसा बना रखा ना ऐसा सिविलाइजेशन टाइप सा इको सिस्टम वो ऐसे लग रहे हैं वो जो रबर बैंड नहीं होते मल्टी कलर रबर बैंड्स आप सर्च करोगे ना ट्रैवल प्लेसेस इन चेन्नई कहीं पे भी नहीं आएगा आई थिंक वो शार्क है ये तो पूरा आई थिंक इट्स अ फ्लीट ऑफ शार्क्स वाओ वो जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत वो चीज़ है ये गाइस दिस इज वेरी क्रेजी इंडिया में दुबई के मजे लोग स्पेशली ये चीज़ें करने दुबई अंडरग्राउंड एक्वेरियम टाइप सा बना रखा है एक्वेरियम भी नहीं बोलूँगा अंडरग्राउंड ओशन बना रखा है Wow, well maintained. Only one in India. Aao Chennai. Visit this. Vannakkam Chennai. Beautiful place, yaar. Beautiful. Guys, Happy New Year. सबसे पहले आप सब लोगों को कमेंट्स में सिर्फ 2021 लिख दो मजा आ जाएगा वीडियो को लाइक कर दो आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ YGP किंगडम जो चेन्नई में है और इतनी खूबसूरत जगह है लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमारे भारत में अतुल्य भारत में मेक इन इंडिया ऐसी बढ़िया चीज बनी हुई है मैं बताऊँ भाई एक एक पैसा वसूल है आप वीडियो देखो आपको खुद ही समझ आ जाएगा सेफ्टी गाइडलाइंस एंड स्टफ यहाँ पे ना नाम वाम लिखे हुए एंजल फिश फ्लाइंग बार अलग अलग जो भी लगी हुई है जो लोकेशन है ना वो चेन्नई से आधे घंटे 40 मिनट के रास्ते पे है और 550 रुपीज़ पर पर्सन इसका चार्ज है अगर आपको ये देखना है अगर आपको स्कूबा डाइविंग करनी है यहाँ पे तो 3000 रुपीज़ अगर आपको VR देखना है तो 150 रुपीज़ और बहुत सारी फलाना ढिमकाना चीज़ें ये तो सिर्फ सर्फिस है अभी नीचे जा रहे हैं मेन चीज़ के लिए देखो भाई शाकाहारी लोग जब फिशेज देखते हैं ना वो देखते हैं सो क्यूट सो वो हाय गाइस हाउ आर यू ऐसा मन कर रहा है ना अंदर जाके इनके साथ खेलो है ना और पीछे होके देखो ये क्या मस्त इन्होंने वो बना रखा है ना इनके लिए इकोसिस्टम ओए भागी जा रही है कहाँ भाग रही फिलहाल तो ये मेरे से एकदम उल्टी घूम रही है चलो जाओ नीचे चलते फैंसी श्मैंसी ओ भाई अच्छा बना रखा है बहुत सारी फिशेस की वैरायटीज है नाइस ब्रो ऐसा लगा हुआ किसी ने नीचे डाल रखा उनको लॉट ऑफ फिशेस यहाँ फिश वहाँ फिश वहाँ फिश हर जगह फिश जहाँ देखो जहाँ भी देखो झुमरी तलैया फिशी फिश बहुत सारा फिश बटरफ्लाई टाइप का फिश है कॉपर बैंड बटर अच्छा बटरफ्लाई नाम ही है उसका बिल्कुल देख बटरफ्लाई जैसी लग रही है वो ऐसे लग रहे हैं वो जो रबर बैंड्स नहीं होते मल्टी कलर रबर बैंड्स सो क्यूट ब्यूटिफुल प्लेस ये ग्लास में ना ऐसे पता नहीं चलेगा एक बार ट्राई कर ऐसे पास आके देख ऐसे लगेगा ग्लास वो कर रहा है आजा पास आके ऐसे देख इसमें कैमरा पे नहीं पता चल रहा है ना अच्छा है पर अच्छा बना रखा है लाइक वेल वर्थ इट वेल वर्थ द मनी ओ नाइस ग्रेट आप ऊपर आके देखो वाइडर पर्सपेक्टिव देखो एकदम पूरा पीछे जाके सो ब्यूटीफुल यार ये तो बहुत सही चीज़ है यार कभी भी चेन्नई से पौंडीचेरी जा रहे हो या पौंडीचेरी नहीं भी जा रहे हो तो बिल्कुल आके देखो यहाँ पे शार्क्स भी है पता है आपको स्टारफिश हाँ इतना बढ़िया कलेक्शन है ना सो नाइस फिशेस ये वाले देख oh.
ऐसा लग रहा है रेनबो टाइप सी लग रही है ना? गाइस नाउ लेट्स फाइंड शार्क्स। ओए भाई, ओ भाई क्या फीलिंग आ रहा है। नाइस, और बहुत सही यार, अपने 2-3 घंटे निकाल के आओ। सारे अलग अलग ना इन्होंने वो बना रखे हैं इकोसिस्टम्स। ये होता है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देख ना पानी, देख कितना साफ है पानी का, वो देख लेयर्स देख पानी का, है ना? ऐसा लग रहा है वाव यार, वेरी वेल मेंटेन्ड। डीप ओशन, ओ लेट्स गो टू डीप ओशन। अंडे तो यहाँ पड़े ऑक्टोपस के, ये रे सो रहा होगा। आजा लेट्स गो इन द डीप ओशन। डीप ओशन, ओ भाई साहब इट्स गेटिंग क्रेजियर एवरी मिनट। वाओ गाइस सो कूल यार। ऐसा पता क्या लग रहा है, वो स्कूबा डाइविंग करते हो ना, विच इज़ लाइक एकदम स्कूबा डाइव इज़ लाइक ऐसे एकदम एडवेंचर वाला लगता है। अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग 5-star वाली स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं AC में बैठ के। बहुत सही है यार, दिस इज़, किसी को पता भी नहीं है कि ये इंडिया में है, और इंडिया में ऐसा और कुछ भी नहीं है। हाँ मैं बिल्कुल, मेरा थोड़ा दिख नहीं रहा, बट चीज़ है यार क्या मस्त है। नाइस, पूरा ऐसा बना रखा है ना, ऐसा सिविलाइजेशन टाइप सा, अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन। वो डीप, वो पैसेज है पूरा। ओ इंडियन ओशन इज होम टू 55 स्पीशीज ऑफ शार्क्स। ओ दिस इज सो गुड यार। बॉटल नोज डॉल्फिन्स कैन रीच अप टू 32 किलोमीटर्स पर आवर फास्ट। ओ भाई दिस टनल इज ऑसम। ओ वाओ गाइस दिस इज सो क्रेजी यार। और अभी पता क्या है, कोविड का टाइम चल रहा है ना, तो यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, मतलब लिटरली हम लोग हैं और कोई नहीं। मस्त है यार, सो ग्रेट। सो ग्रेट, दिस इज सो ग्रेट यार। मैं पहले सोच रहा था कि इसको ना एक पार्ट ऑफ द वीडियो बनाऊं, जब तक मैं आया नहीं था। अब मैं आ गया हूं तो मेरे को लग रहा है ये सेपरेट वीडियो होगी। ये वीडियो एकदम मस्त है, अगर आपको फिशेस पसंद है, आपको एक्वेरियम, आपको डीप सी पसंद है, आप अपने कैब ड्राइवर को रिक्वेस्ट करोगे ना, जैसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो उसने 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया यहाँ पे वेटिंग का, वन आवर का। ओह वाओ बहुत सही बना रखा है यार, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी। आ जाओ। आई थिंक वो शार्क है, इधर उधर ऊपर नीचे सब जगह देखो। सॉरी है, मस्त है, क्या हाल चाल है। उड़ गए, सोने दो उसको। और ये बात है, किसी को इसके बारे में पता नहीं है। आप सर्च करोगे ना ट्रैवल प्लेसेस इन चेन्नई, कहीं पे भी नहीं आएगा यार। वो तो भला हो किनका, विक्की भाई का भला हो जिन्होंने मेरे को बताया इस बारे में, और मेरा कैब ड्राइवर जो मान गया मेरे को यहाँ पे डिटूर लेके लाने में, मतलब रास्ते में ही पड़ता है, बट थोड़ा सा उसको कन्विंस करना पड़ा, तमिल बोला। नाइस, वेरी शक, आई वांट टू सी शक। ओह अच्छा हाँ, ये रही। ओह ये तो पूरा, आई थिंक इट्स अ फ्लीट ऑफ शार्क्स। वाओ अभी हम लोग हैं टैंक के अंदर और हम देख रहे हैं शार्क टैंक। मेरे को कोई फंडिंग दे दो गंदे जोक्स मारने की, क्या क्रेजी लग रही है ना। ओह वो वाली देख, बड़ी वाली है वो, बहुत सारी शार्क्स है यहाँ पे, लाइक 10-12 तो हम लोगों ने देख ली अभी। वाओ यहाँ पे पता क्या है, जैसे मैं ऐसे फोटो खींच रहा हूँ ना, आंखों देखिए, व्हाट यू सी, जो आंखों देखिए हम लोग देख रहे हैं ना, जो क्लैरिटी के साथ, जो आंखों की क्लैरिटी है, कैप्चर करने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे आके एक घंटा बस एक्सपीरियंस करो, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है बेसिकली। जो मेरे को समझ आया ना, 550 रुपीज़ की टिकट देते हो, ऊपर एंट्री होती है, एंट्री में आपका पहले वो पूछते हैं कि आपको फ़ोटो खिंचवानी है, ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है उस पर, यहाँ का लगा दोगे, वो बैकड्रॉप लगा देंगे, और आपको अगर फ़ोटो चाहिए तो उसके चार्जेस है। VR वाला है वो मत लेना। स्कूबा डाइविंग आप कर सकते हो, बहुत क्रेजी रहेगा, हम लोग अभी कर नहीं रहे बिकॉज हम लोग थोड़ा लग्जरी वाला स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, लाइफ फिटनेस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। और बहुत सारी वैरायटी है, अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं, देयर बीचेस वाली फिशेस, बहुत सारी फिशेस है, मतलब बहुत बहुत वैरायटी है। मज़ा आया, ऐसे छोटा सा वीडियो बनाया, बट ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मतलब जिसे कहते हैं ना, वो जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वो चीज़ है ये, मतलब
आप लोगों को क्या रहता है ना, आप लोगों को रहता है भाई दुबई, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, यूके, यूएस, अपने इंडिया के अंदर विद इन द इंडिया झांक के देखो, एक्सप्लोर करो, ये सारी चीज़ें हैं, किसी को घंटा नहीं पता, फैलाओ ये सारी चीज़ों को, अवेयरनेस फैलाओ इन सब चीज़ों की, क्या कर रहे हो, वाओ यार, कितना, 550 rupees, 550 rupees इज़ व्हाट, पेनीज, आई थिंक $8 होता है, $8, बाहर जाओगे इतना मोटा पैसा भी खर्च होगा, क्या हाल है दोस्त, देखने क्यों नहीं आ रहे तेरे को लोग, भाई आप सर्च करोगे टॉप 10 प्लेसेस टू गो इन चेन्नई, टॉप 10 प्लेसेस टू डू इन पांडिचेरी, ये बीच आएगा, वो आएगा, ये रेस्टोरेंट, वो अम्यूजमेंट पार्क, ये जगहें पॉपुलर क्यों नहीं हो रही, हमारी गलती है, आप लोगों की गलती है, मेरी गलती है, मैं एज अ क्रिएटर आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये चीज़ें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोविड खत्म होने के बाद यहाँ पे आओ और इनकी अवेयरनेस फैलाओ, पॉपुलैरिटी बढ़ाओ इन चीज़ों की, मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, बाय बाय। वहाँ पे क्लीनिंग चल रही है या तो कोई यार स्कूबा डाइविंग कर रहा है, अगर आप स्कूबा डाइविंग करोगे तो आप इसके अंदर चले जाओगे, वो क्लीनिंग कर रहा है कोई, वाह यार स्कूबा डाइविंग इज़ ऑल्सो गुड थिंग, 400 rupees का फटका, बट क्यूट है, ওখানটা এরকম অসাধারণ, মানে মাছ দেখে তোমার চোখ ফেলানোটা মুশকিল, একটা মাছের কালার থেকে আরেকটা মাছের কালার ধরন, মানে আর এগুলো মাথার উপর দিয়ে যখন চলতে থাকে তখন আসলে খুবই ফ্যাটিং, খুবই ফ্যাটিং লাগে, এখানে না গেলে আসলে ওই ফিলিংসটা পাওয়া যাবে না, এখানে ঘরে দেখে আসলে সেও যেটা বলতেছে যে ঘরে দেখে কিন্তু আসলে অতটা ফিলিংস পাওয়া যায় না, ওখানে মাছের মধ্যে দিয়ে মনে হয় আমি নিজে হাঁটছি, মাছগুলোকে ধরছি এরকম মনে হয়, এত ক্লিয়ারলি থাকে ওগুলো দেয়, মানে অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতর থেকে দেখা যায়, তো আমার কাছে মনে হয় যে তুমি ভিডিও দেখে কতটা এনজয় করেছো আমি জানি না, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, আর পুরোনো স্মৃতি আমার কাছে আর একটু বেশি তাজা হয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছি, এটা বলতে যাচ্ছে যে এটা ইন্ডিয়ার একমাত্র আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যাকোয়ারিয়াম, তো অ্যাকোয়ারিয়াম কিন্তু বাংলাদেশে আছে, কক্সবাজারে রিসেন্টলি চালু করেছে, বাট এত বড় না, এখানে যেরকম দেখলাম যে শার্ক আছে এবং আরো কালারফুল অনেক মাছ আছে এবং সে অনেক নিচ পর্যন্ত গিয়েছে এবং বিশাল বিশাল আকৃতি মনে আছে, বাংলাদেশে কক্সবাজারে যেটা আছে সেটা অতটা বিশাল না, আমি গিয়েছি, হ্যাঁ বাট ওটাও অ্যাকোয়ারিয়াম আমাদের এখানে আছে, ছোট চিংড়ি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, কালারফুল মাছ আছে, মোটামুটি চলে, বাট তবে এটা অনেক বড় ছিল, আর আমার কাছে ওই জায়গাটা খুব ভালো লেগেছে যখন মাছ তো তার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছিল, মাছ ছিল অনেকগুলো, যখন শাপলা ফুলের মতো যে মাছটা মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে খুবই সুন্দর লাগছিল, অসাধারণ, তার ভিডিওটা অসাধারণ লেগেছে, আর আমি বলবো যে আসলে লোকজন কেন যায় না এরকম জায়গাতে, এরকম জায়গাতে গেলে আস মনটা অনেক অনেক ভালো হয়ে যায়, আমার কাছে তো এসব জায়গা খুবই ভালো লাগে, আর বিশেষ করে যে মাছের এতটা মাছ সম্পর্কে জানা যায়, ভ্যারাইটি সম্পর্কে জানা যায়, এটা শিক্ষণীয় অনেক জিনিসও থাকে এখানে, তো আমার কাছে অসাধারণ লাগবে, আর আমার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ ওনাদের দেশেও এটা সম্পর্কে আর একটু মনে হয় প্রমোট করা উচিত, হ্যাঁ ফোকাস করা উচিত যাতে মানুষ এখানে যায়, কারণ এটা মেনটেন্যান্সেরও ব্যাপার আছে, অনেক খরচ থাকে, তো জনগণ বা দর্শক যখন যাবে তখন কিন্তু আসলে খরচটাকে তুলে আনা সম্ভব হবে, আর তাছাড়া এগুলো সম্পর্কে বাচ্চারাও জানতে পারবে, বাচ্চাদের অনেক বড় একটা নলেজ গ্যাদার হবে এখান থেকে, তো আমার কাছে ওভারঅল ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে, আর অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতরে যে পরিবেশটা ছিল, যে পরিবেশটা বানানো হয়েছে, হ্যাঁ ইকোসিস্টেমের পরিবেশ, এটা কিন্তু অসম ছিল, এই প্ল্যানটা এবং ডিজাইনটা খুবই সুন্দর, মানে নিচ থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে আসলে যারা মুভমেন্ট করবে যে তারা আসলে অরিজিনালি সাগরের নিচ দিয়ে মুভমেন্ট করছে, এই জিনিসটা ফিল করা যাচ্ছে, এটা কিন্তু অনেক একটা প্ল্যান ওয়াইজ অনেক সুন্দর একটা জিনিস হয়েছে, তো আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আপনারা আমাদের সঙ্গে আর কোন কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান, আর অবশ্যই কমেন্টস করুন আপনারা কে কে অ্যাকোয়ারিয়াম দেখতে যেতে চান, কে কে দেখতে যেতে চান না, বা কার এই জায়গাটা কি পছন্দ হয়েছে কার পছন্দ হয়নি, আর আশা করব আমাদের সঙ্গেই থাকবেন, তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতো এখানেই বিদায়।